हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फैन क्लब। मेरा नाम है कौशिक, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट। आप देख रहे हैं टेक फैन क्लब यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा इंट्रो अलग हो गया, मुझे पता है, हर बार की तरह एक नहीं हुआ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी वाई 3.0 का स्टेबल अपडेट लिस्ट डिवाइस, ठीक है, मतलब डिवाइस लिस्ट। और क्या क्या इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो आखिर तक जरूर देखना, इसके अंदर आपको सारे डिवाइस ऑफिशियली देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको न्यू अपडेट भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ ओल्ड, मतलब जो डिवाइस अभी तक मिल चुका है उनका जो नेक्स्ट बैच होता है, जिनके ऊपर जिन्हें नहीं मिला, जो लोग कमेंट करते हैं वो वाले भाइयों के लिए भी ये वीडियो काम आ जाएगा, क्योंकि उन लोगों को नहीं मिला है तो वो नेक्स्ट बैच भी इस मंथ का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से डिवाइस के अंदर इस मंथ न्यू बैच रिलीज होगा और कौन कौन से डिवाइस के अंदर नेक्स्ट बैच रिलीज होगा स्टेबल अपडेट का, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली फ्री है। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर प्रेस करके रखना, ये वो भी टोटली फ्री है, ताकि हमारे चैनल की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देख लेते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं स्टेबल अपडेट को भी ऑन May 2022। सो फाइनली रियलमी का जो रियलमी 3.2 एंड्रॉइड 12 अपडेट से वो अप्रैल तक हमें बहुत से डिवाइस के अंदर देखने को मिल गया है, और साथ ही साथ मई के अंदर भी आपको बहुत से डिवाइस के अंदर रियलमी 3.2 एंड्रॉइड 12 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ओल्ड डिवाइस भी आपको देखने को मिलेगा इस मंथ के अंदर। और साथ ही साथ बात करते हैं तो इस मंथ का जो ऑफिशियल डेट, मतलब ऑफिशियल अपडेट है, वो यहाँ पे रिलीज होने लगा है। और सबसे पहले आपको बात करता हूँ जो स्टेबल अपडेट है, दो बैच में डिवाइड होगा। आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल डिवाइस लिस्ट है May 2022 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेबल अपडेट बैच ए एंड बैच बी, मतलब जो न्यू बैच है। जो बैच ए के अंदर आपको देखने को मिलेगा रियलमी 9 प्रो, रियलमी 9 प्रो 5G, रियलमी 9 प्रो प्लस 5G, रियलमी X50 प्रो, रियलमी X7 Max 5G, रियलमी X7 Pro 5G, रियलमी GT, रियलमी GT 5G, GT मास्टर एडिशन, या साथ ही साथ आपको GT Neo 2, 8 प्रो एंड 8 में आपको यहाँ पे जो बैच ए है इसके अंदर आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब इन सारे डिवाइस के अंदर पहले स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है, और मे मंथ में इसमें आपको और भी स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा जिन लोगों को नहीं मिला, मतलब ये जो नेक्स्ट बैच है वो इस मंथ का रिलीज होगा इन सारे डिवाइस के अंदर। अब बात करते हैं ऑफिशियली और इस मंथ का जो न्यू डिवाइस लिस्ट जिसमें स्टेबल अपडेट लॉन्च होगा, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो 7 प्रो है ओल्ड डिवाइस रियलमी 7 प्रो, इसे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो रियलमी C25 यूज़र है उसका सर्वर अब खत्म होने को वाला है इस मंथ में, क्योंकि C25 में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्टेबल अपडेट। साथ ही साथ 8i यूज़र आप लोगों के लिए भी कुछ खबरी है, क्योंकि May 2022 के अंदर आपके फ़ोन में भी स्टेबल अपडेट यहाँ पर रिलीज होने वाला है। और साथ ही साथ रियलमी 8S 5G को भी यहाँ पे मे मंथ के अंदर स्टेबल अपडेट देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही बड़ा बैच है, आप देख सकते हैं जो डिवाइस लिस्ट है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही नाम यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है। साथ ही साथ आपको दो बैच देखने को मिलता है, एक न्यू स्टेबल अपडेट का और एक जो पुराने वाले हैं, जो बहुत से लोगों को जो नहीं मिला, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। और तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, मे मंथ के बैच के अंदर आपके फ़ोन में आता है या नहीं, अगर नहीं आया तो फिर भी आपको जून मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगा। फाइनली आप लोगों को मैंने कह दिया कि मे मंथ के अंदर आपको कौन से डिवाइस के अंदर अपडेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको दो बैच भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आप लोगों को क्या मिला है या नहीं रियलमी 3.0 अपडेट इस मंथ के अंदर, जरूर नीचे कमेंट करके हमें बताना। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा दोस्तों।